हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है 23 मार्च 2022। तो डिटेल में जान लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के डिस्कशन को। राइट, डेली के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो भी न्यूज़पेपर आता है उसके पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर। जो भी पेज में हाईलाइटेड न्यूज़ होंगी उसको नोट्स के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। आज के पूरे हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे हम पूरा एक्सप्लेनर वाला पेज एक्सप्लेन करेंगे, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन क्या होता है, क्या इंडिया के पास हाइपरसोनिक वेपन्स हैं या नहीं, तो इसी तरह के नोट्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो हमारा सबसे पहला सेक्शन यही रहता है कि आज के पूरे न्यूज़पेपर में जो 16 से 20 पेजेस हैं न्यूज़पेपर के, उनमें जितने भी छोटे से छोटे की पॉइंट्स होंगे उनके नोट्स क्या क्या हैं, इन सिक्वेंस वाइज, जैसे पेज वाइज वहाँ पर अरेंज है, यहाँ पर भी सिक्वेंस वाइज अरेंज होंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिया पिछले 2021 में रिसेंट डेटा है, सबसे ज़्यादा ऑयल किससे इंपोर्ट किया, पहला। सेकंड है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इट इज़ रिगार्डिंग द जो है ठाकरे जी के जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनको उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज की, बट वो मैटर नहीं करता, यहाँ पर मैटर करता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है। फिर आज का टॉपिक है मुला पेरियार डैम, उसमें से हम जानेंगे पेरियार नदी के बारे में। अगर कोई भी न्यूज़ करंट में आई है तो उसका स्टैटिक क्या होगा वो हम डिटेल में जानेंगे, ओरिजिन कहाँ है, उससे रिलेटेड इडुक्की डैम कहाँ है ये डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है, यूपीएससी जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में ये पूछा जाएगा, और ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या क्या डिटेल में मेंशन है वो भी चीज़ें भी करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में हिंदू टुडेज़ में एक्सप्लेनर में आया हुआ है NLMC हाइपरसोनिक वेपन्स, क्या भारत के पास है या नहीं, क्या डिफरेंस है एक हाइपरसोनिक वेपन्स में, इसको भी करेंगे। आज हमारा सबसे मेजर टॉपिक रहेगा भारत स्टेज, जो BS6 गाड़ियां होती हैं। अब आप सबको किसके पास भी नहीं, आपने वो देखी होगी तो BS6 गाड़ियां ही आपको मिल रही होंगी, राइट। तो ये क्या होता है इसको भी हम डिटेल में जानेंगे, BS6 के बारे में पूरा, एडवांटेज क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसके फ़ायदे रहेंगे, ये सब डिटेल में जानेंगे। आज का 23 मार्च का 2022 UPSC मेंस क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। एज़ पर द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पॉल्यूशन हैज़ टर्न्ड इनटू ए ग्लोबल चैलेंज, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स बाय ऑल स्टेक होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू डील विद प्रेसिंग इश्यूज़, कॉमेंट, 150 शब्दों में ये आंसर लिखना है, UPSC पेड ग्रुप डिस्कशन में आप इसे लिख सकते हैं। फिर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, CACP, अभी जूट के लिए जो MSP है वो बढ़ा दी गई है, तो CACP क्या है, तो आज ये डिटेल नोट्स हम करने वाले हैं। बट विदाउट मूविंग फर्दर, टेलीग्राम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है @PR Publication बिना स्पेस दिए, और ये PR Publication का फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जब आप फाइल सेक्शन में जाएंगे बहुत सारी PDF, बहुत सारे जो UPSC मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आप हमारे डेली के बेसिस पे अफोर्डेबल प्राइसेस पे आप डेली नोट्स, पूरे एक साल के प्रीवियस नोट्स और अपकमिंग जो नोट्स 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 2022 के UPSC प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको आपको मिल जाएगा सिर्फ 499 रुपीज़ में। ये एयरली प्लान है जिसमें डेट वाइज जो अभी हमने नोट्स दिए वो आपको टू द पॉइंट टेलीग्राम में मिल जाएंगे, डेली आंसर राइटिंग होगी, NCERT 6th to 12th नोट्स आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, ये सिर्फ 499 रुपीज़ में। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट से नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, राइट। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे प्लान से भी ले सकते हैं रिगार्डिंग द गारंटेड 60 कम्प्लीट बैच, जिसमें UPSC की कम्प्लीट तैयारी करवाई जाएगी, राइट। नाउ आज की सबसे पहले न्यूज़ बात करते हैं फ्यूल प्राइसेस आफ्टर 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, उत्तराखंड, UP, पंजाब, गोवा, मणिपुर। अभी तक पेट्रोल के प्राइसेस फ्रीज थे, बट आर्टिकल ये कहता है कि फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा दिया गया, पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट को 80 पैसा ज़्यादा बढ़ा दिया गया और जो LPG सिलेंडर है वो 50 रुपये ज़्यादा कर दिया गया। इसके पीछे वन ऑफ द रीज़न, फर्स्ट तो COVID-19 का पेंडेमिक का इश्यू तो है ही है, साथ ही साथ रशिया जो अभी सडन जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो है रशिया यूक्रेन का क्राइसिस। रशिया और यूक्रेन दो ऐसे देश हैं जहां पर सेमीकंडक्टर तो हैं ही, उसके साथ साथ जो एनर्जी सप्लाई चेन होता है टुवार्ड्स होल ग्लोबल वर्ल्ड, उस वजह से डिसरप्ट भी हो रहा है। तो ये मेजर रीज़न रहे कि
अभी पहला है पेंडेमिक, अच्छे से समझना, ठीक है। पहला है पेंडेमिक, दूसरा है रशिया और यूक्रेन वॉर। दो पॉइंट अभी हम अपने माइंड में क्लियर करेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है। दूसरा, श्रीलंका में भी ऐसा ही इन्फ्लेशन वाला पॉइंट आया है, वो पेंडेमिक की वजह से, राइट। चलिए, साथ ही साथ वही पॉइंट है, फैक्चुअल है, 0.80 ऐसा पैसा आपको याद नहीं रखना। साथ ही साथ एक बैरल जो डीजल का है, पेट्रोल का है, उसके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर जैसा मैंने बोला है, पहला, सरकार ने अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। दूसरा, रशिया और यूक्रेन का वॉर, ठीक है। डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइसेस हैव बीन अनचेंज्ड सिंस अक्टूबर 2021। तो अभी ये प्राइसेस अभी हमारे बढ़े हैं, ये अपडेट वाले प्राइसेस हैं, इसके पीछे दो रीज़न है, ठीक है। किसी भी न्यूज़ से आपको दो पॉइंट एक्सट्रैक्ट करो, या मेरा एक फंडा है 2:3, मतलब या तो दो करो या पाँच करो, ठीक है, या पाँच करो, क्योंकि दो आप प्रिलिम्स के लिए करोगे, पाँच आप डायरेक्टली मेंस के लिए हो जाएगा। तो इससे डायरेक्टली दो चीज़ें करो, एक तो पेंडेमिक, दूसरा रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इस न्यूज़ से नहीं करना है। पहले पेज में एक छोटी सी न्यूज़ है, यूक्रेन क्राइसिस है ग्लोबल इम्प्लिकेशन, वही इन्फ्लेशन का, ऑयल प्राइसेस का, ठीक है, सेमीकंडक्टर का, ये ग्लोबल इम्प्लिकेशन होंगे, चाहे पॉलिटिकल, अब देखो पॉलिटिकल भी है ना, कोई रशिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे पैरामीटर में हम इस पर बात कर सकते हैं, बट टू द पॉइंट यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है जिसके बारे में लगातार हम डिस्कस करें, ठीक है। ये हमने पॉइंट मेंशन कर दिया है। अब जो ये फ्यूल प्राइसेस हाइक वाला है, तो ठीक है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हम खरीदते किससे हैं यार तेल इतना, ठीक है, तो उसको हम इस न्यूज के बेसिस पर पढ़ लेते हैं। UPSC प्रीलिम्स जनरल स्टडीज़ पेपर 2 फरवरी 2021 का ये लेटेस्ट डेटा है। हमारे पांच देश हैं जिनसे हमने सबसे पहले ख़रीदा है, इराक, हम करीबन 867,500 बैरल्स पर डे इराक से लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट से 5,00,000, नाइजीरिया से 4,00,000, सऊदी अरेबिया से 4,45,000 और UAE। तो पांच ऐसे देश हैं जो आपको याद रखने हैं एच पर सिक्वेंस, आपसे स्टेट PCS या दूसरे फैक्चुअल एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो एक सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहला हमारा इंपोर्टर जो देश है वो इराक, तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, IUNSU, ठीक है, IUNSU, इराक, USA, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया और UAE। IUNSU कोई भी अगर तेल की बात करता है तो उसको IUNSU बोल दो, तो ये एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी जो आपके एग्ज़ाम हॉल में मदद करेगी। नाउ नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट द एंटी कन्वर्जन बिल क्लियर्ड एमिड अपोजिशन वॉकआउट इन हरियाणा। देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र, दूसरे इन देशों में, इन राज्यों में क्या हो रहा है कि एंटी कन्वर्जन बिल चला जा रहा है। अब ये पहले से चल रहा है, ए पर्सन कैन चेंज रिलीजन एज पर देयर ओन फ्री विल बट इट विल नॉट बी अलाउड टू हैपन टू एनीवन फोर्सफुली। वही है, इन सब राज्यों में वही चीज़ चल रही है जिसमें एक पर्सन को, जैसे हिंदू है तो मुस्लिम में कन्वर्ट करा जा रहा है फोर्सफुली, और मुस्लिम है तो हिंदू में कन्वर्ट करा जा रहा है। तो ये चीज़ें, ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई, बट ऐसा बिल लाया जा रहा है बहुत सारे राज्यों में। यहाँ पर हमारा, मैं इस पूरे आर्टिकल से आपको पॉलिटिका एंगल बताऊंगा, इट इज़ रिगार्डिंग द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में आपको फ्रीडम होती है, लिबर्टी होती है कि आप कैसे जा रहे हैं, जैसे राइट टू फूड, आप बीफ भी खा सकते हैं, आप कोई दूसरा खाना भी खा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप अपने मर्जी से अपना धर्म बदल सकते हैं, बट कोई फोर्सफुली कर रहा है तो वो लॉ के अगेंस्ट होगा, राइट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे UPSC प्रीलिम्स इस पर कैसा क्वेश्चन बनाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एंटी कन्वर्जन बिल चूज़ द फॉलोइंग ऑप्शन, जिसमें आर्टिकल 21 मेंशन किया होगा और उसका रीज़न, ठीक है, तो इसमें कौन सा एप्लीकेबल होगा, आर्टिकल 21। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, 126 साल पुराना है डैम मुला पेरियार डैम तमिलनाडु। अभी केरला और तमिलनाडु दो राज्य इस डैम से एसोसिएटेड हैं, क्यों, पेरियार रिवर। अब ऐसा नदी ऐसा नहीं होता ना कि एक ही राज्य में बहती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगी, तो जिस जिस राज्य में जाएगी उस राज्य से एसोसिएशन होगा। तो तमिलनाडु येट टू इंस्टॉल क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट एट मुला पेरियार डैम। केरला क्रिटिसाइज़ कर रहा है तमिलनाडु की सरकार को कि 126 साल पुराना ओल्ड रिजर्वायर है, सबसे पहले तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करो आप। दूसरा, मुला पेरियार डैम ऐसी जगह पर है लोकेटेड जो सिस्मिक जोन 3 के अंदर आता है, जो कि एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर अर्थक्यूक आ जाए
अगर ये डैम, अनफॉर्चुनेटली बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं तो चाहूँगा कि ये कभी ना हो, बट ऐसा हो जाता है तो अर्थ क्यों का आएगा। फ्लड के बहुत सारे रीज़न इससे क्रिएट हो सकते हैं और जो बेसिक सिविलियंस है उनको सफ़र करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन ये है, केरला क्रिटिसाइज ये कर रहा है कि तमिलनाडु ने बेसिक क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो इंस्टॉल करना चाहिए था इन मुलापेरिया डैम, वो नहीं किया है। अब रिकमेंडेशन तो ये थी कि आप दो सीस्मिक एक्सिलरोग्राफ यहाँ पर लगा दो ताकि बेसिक कभी भी सीस्मिक एक्टिविटीज़ हो तो उसको मॉनिटर कर पाएँ। द स्टेट सेड 126 ओल्ड मुलापेरिया डैम लाइज इन द सीस्मिक जोन थर्ड इन द सीस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैप जो सीस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया है वो पूरे स्टेट को डिवाइड करता है, कैटेगराइज करता है, सीस्मिक जोन थर्ड, फर्स्ट से लेके पाँच जोन तक होते हैं। एच पर जितना ज़्यादा डाइवर्स इम्पैक्ट होगा उसके बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। बट इस न्यूज़ से हमें करना है अबाउट द मुलापेरिया डैम और मुलापेरियार में पेरियार नदी के बारे में भी, ठीक है। तो पेरियार रिवर न्यूज़ है, इससे पहले भी पेरियार रिवर न्यूज़ में आई थी, तो हम ये ट्राई करते हैं कि विद इन वन ईयर अगर किसी टर्म के बेसिस पर कोई न्यूज़ पहले भी आई है तो उसको भी मेंशन करो। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, पेरियार रिवर हैज़ टर्न्ड ब्लैक ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ केमिकल वेस्ट बाई इंडस्ट्रीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये भी बोला था कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको थोड़ा दूर लोकेटेड करें। फैक्ट बता देता हूँ, पेरियार रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला। अगर सबसे बड़ी नदी के बारे में बात करूँ केरला में, वो पेरियार नदी होगी। इसको लाइफलाइन ऑफ केरला भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, विच रिवर इज़ नॉन एज द लाइफलाइन ऑफ द केरला। तो आपको मेंशन दिए होंगे पेरियार, मुला रिवर, तो ऐसा ऑप्शन पेरियार होगा। और इट इज़ वन ऑफ द फ्यू पेरिनियल रिवर इन द स्टेट। कितनी बड़ी बात है, तीन स्टेट यहाँ, तीन चीज़ें यहाँ से हमारी कवर हुई। केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, लाइफलाइन ऑफ केरला इसे कहते हैं, और वन ऑफ द फ्यू पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जो बारह मास बहती हैं, मतलब चाहे जनवरी हो दिसंबर हो कोई फ़र्क नहीं, लगातार बहती रहेंगी। आपको पता होगा हिमालयन जो रिवर्स होती हैं उनको पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, वैसा ही सिमिलर फीचर है अपनी पेरियार रिवर का भी। ओरिजन, पेरियार नदी निकलती है वेस्टर्न घाट से, शिवगिरी हिल्स से, एंड फ्लोज थ्रो पेरियार नेशनल पार्क एंड रीचेज पेरियार लेक एंड देन वाटर फ्लोज इन टू वेम्बांड लेक। अगर आपको पता होगा वेम्बानाड लेक बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहा था रिगार्डिंग पॉल्यूशन और दूसरे करंट अफेयर में, तो आपको वेम्बानाड जो लेक है वो चीज़ ये याद रखनी है कि इस लेक से कौन सी नदी फ्लो होती है, पेरियार नदी। मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं मुलियार, देखो मुलियार और पेरियार नदी के जो यहाँ पर बना है मुला पेरियार डैम, समझ में आ रहा, एडमला रिवर। दूसरे एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ रिगार्डिंग द इडुकी डैम। पेरियार नदी में इडुकी डैम है जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सेकंड, मुला पेरियार डैम, जहाँ मुलियार नदी और पेरियार नदी मिलती है वहाँ मुला पेरियार डैम है, इन द केरला इडुकी डिस्ट्रिक्ट केरला के। अगर एग्जैक्ट लोकेशन कोई पूछे तो ये चीज़ याद रखना मुला पेरियार डैम की। और बहुत बार न्यूज़ में भी आया है कि जो मुला पेरियार डैम है वो लोकेटेड तो केरला में है बट उसको ऑपरेट या मेंटेन कौन करता है, तमिलनाडु, समझ में आ रहा। अब आप कहोगे ये कैसे, इसके पीछे बहुत सारे कानून बने हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, पॉलिटिकल रीजन होते हैं, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक फैक्ट ज्योग्राफी का आप ये याद रखो कि पेरियार डैम, मुला पेरियार डैम कॉन्फ्लुएंस मुलियार और पेरियार नदी के कॉन्फ्लुएंस में है, केरला के अंदर ये आता है बट इसको ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है, तमिलनाडु। तभी तो केरला अभी क्रिटिसाइज कर रहा है तमिलनाडु को कि तुम मेंटेन तो कर रहे हो, तुम एक्चुअल में वो इंस्ट्रूमेंट भी तो इंस्टॉल करो जिससे पता लगे कि अर्थक्वेक आने वाला है। अ पेरिनियल रिवर इट इज़ ए चैनल दैट हैज़ कंटिन्यूअस फ्लो इन पार्ट ऑफ स्ट्रीम बेड ऑल ईयर राउंड। यहाँ पर मैंने मेंशन पेरिनियल रिवर का भी मेंशन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अटैचेस प्रॉपर्टीज वर्थ 6.45 करोड़ ऑफ उद्धव ठाकरे ब्रदर इन लॉ। मैटर ये नहीं करता कि किसके ब्रदर इन लॉ को की प्रॉपर्टी सीज की, मैटर ये करता है कि जो भी इकोनॉमिक क्राइम्स होंगे विद इन इंडिया वो कौन सॉल्व करेगी, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे ईडी, व्हाट इज ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर इकोनॉमिक क्राइम्स हो रहे हैं तो वो कौन देखेगा, वो ईडी देखेगी। सबसे पहले
ये पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का. इट इज़ कम्पोज ऑफ ऑफिसर फ्रॉम IRS, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. आप UPSC क्रैक करेंगे तो आप ED में भी जा सकते हैं. ED का ओरिजिन जान लेते हैं. बात करते हैं 1956 की, 1 मई 1956, जब ED का नाम ED नहीं हुआ करता था. ED का पुराना नाम हुआ करता था इन्फोर्समेंट यूनिट, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से जुड़ी थी. और इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947. जो भी इसमें करेगा बकेती तो उसको ED के अंदर पनिश किया जाएगा. 1956 में तो बनी थी, बट 1957 में ऑफिशियल्स के दिमाग में आया कि इसका नाम चेंज करना चाहिए, तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट. कंपोजिशन के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पर आपके जो बंदे होंगे वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज से होंगे, इनकम टैक्स से होंगे, ठीक है. दूसरे फंक्शन की बात करूँ तो प्रोसेसिंग केस ऑफ फ्यूजिटिव इंडिया अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018. जैसे भगोड़े होते हैं ना, भगोड़े का मतलब जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, हिंदी वर्ड आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट फ्यूजिटिव अगर इसी को इंग्लिश में बोले तो ये होता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर या भगोड़े वो होते हैं जो इंडिया से बैंक से लोन लिया है, किसी प्राइवेट कंपनी से लोन लिया है और देश छोड़कर भाग गए हैं. तो ऐसे लोगों को भी कौन कैप्चर करता है, वो है ED, राइट. उसके पीछे एक्ट भी हैं, अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974 इज रिगार्ड टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ FEMA, राइट. FEMA होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, राइट. स्पेशल कोड भी है ED का, PMLA कोड, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. यानी कि देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्चुअल पर्पज बता देता हूँ. मनी लॉन्ड्रिंग का नाउ बात करते हैं, सॉरी फॉर द पॉज, सबसे पहले कॉल आ गया था. मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, फिर से वही जो फील है वो रखे रखना. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा है वो किसी से लोन ले रहा है, बहुत सिंपल सा, किसी से लोन ले रहा है फॉर एजुकेशनल पर्पज़, वो खर्च कर रहा है सट्टे में, जुए में, तो इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. अब ये वाइड लेवल, ये तो मैं एक पैरामीटर बता रहा हूँ. नॉर्मल क्या होगा कि ये जो विजय माल्या ये सब बैंक से ये कहते हैं कि हम एविएशन में खर्चा करेंगे, इसमें खर्चा करेंगे, बट खर्चा वो किसी और में करते हैं. अगर PMLA कोर्ट में कोई अपील की जाए, कैन डायरेक्टली बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट फॉर दैट ज्यूरिडिक्शन, राइट. हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है ज्यूरिडिक्शन. नाउ बात करते हैं आज के एडिटोरियल्स की. पहला एडिटोरियल रिगार्डिंग द उत्तराखंड CM, ex-CM है पुष्कर सिंह धामी. इनसे रिलेटेड एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो मैं आपको शो करूँगा, लिंक में भी दी थी. देखिए, पुष्कर सिंह धामी कैसे इलेक्शन हारने के बाद भी जो है CM बने, यहाँ पर एक पूरी वीडियो फॉर्मेट में, लॉस्ट इलेक्शन बट CM अगेन हाउ. तो आप PR पब्लिकेशन से ऐसे ही बहुत सारे लिंक जो होंगे, क्योंकि उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना दोबारा. आपको क्या करना है, मुझे हमारा पूरा पर्पज़ यही रहेगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जो ऑलरेडी है उसका लिंक रिफ़र कर दें. तो यहाँ पर पूरा ये लिंक दिया है PR पब्लिकेशन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या PR पब्लिकेशन आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है. इस ग्रुप में ये रिसेंट का नोटिफिकेशन है, कल ही ये हमने वीडियो बनाई है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे इलेक्शन हारने के बावजूद भी CM बने, और CM बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो वही चीज़ पॉलिटिकल यहाँ पर चीज़ें हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. वही CM गोवा के CM पॉलिटिकल है, बट ये आर्टिकल हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे. देखिए, इंडिया और साउथ अफ्रीका दो चीज़ें हैं. इंडिया और साउथ अफ्रीका की जब भी मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर आता क्या है, देखो, इंडिया और साउथ अफ्रीका में जब भी बातें होती हैं तो वहाँ पर यही आता है कि यार मिडिल इनकम इकोनॉमी है, तो जो मेडिसिन के प्राइसेस हैं वहाँ लोग तो ज़्यादा हैं, पर जो दवाइयों के प्राइसेस हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते. तो इस चक्कर में इंडिया और साउथ अफ्रीका हमेशा डेवलप्ड कंट्री से ये रिक्वेस्ट करता है कि जो आपने दवाइयों पर खर्चा किया है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लगा के, तो USA क्या करेगा, रशिया क्या करेगा, अपने साइंटिस्ट को करोड़ों रुपया दे देगा, कहेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करो. करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद उनके साइंटिस्ट एक दवा बना लेते हैं. अब दवा में क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो उनकी दिमाग की उपज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, दिमाग की उपज है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब दिमाग की जो
उपज है वो उन्होंने एक मेडिसिन में बदल दी। अब उसके चलते हुए क्या होता है, अलग अलग दवा का अलग अलग प्रोविज़न होता है कि 10 से 15 साल तक पेटेंट। अब यूएसए की वो कंपनी जिसने काम किया है या यूएसए के साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया है वो क्या कहेंगे कि 15 साल तक मोनोपोली किसकी होगी, सिर्फ हमारी होगी। जो पेटेंट लॉज यही कहते हैं, यानी कि वही कंपनी वो दवा बनाएगी, वही डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किसी दूसरी कंपनी में ये नहीं होगा। अब वो उनका प्राइसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर करोड़ों खर्च हुए हैं तो सिंपल सी बात है, वो एक दवा का प्राइस अपना उनको वो भी तो निकालना है, तो एक दवा का प्राइस वो लाखों रख देंगे, हजारों रख देंगे, जो कि हमारे जैसे मिडिल इनकम जो ग्रुप इकोनॉमी है इंडिया सेकंड साउथ अफ्रीका वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी, राइट। तो एट द हाइट ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक इन अक्टूबर 20 कंसर्न तो यही है कि अफोर्डेबल प्राइसेस नहीं है। तो यहाँ पर ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गया, तो अलग अलग जो नेशंस हैं कोऑर्डिनेशन ये सब यही चीज़ें कहते हैं कि वेवर में कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन ये कहता है कि सिर्फ दवाइयों के लिए, ठीक है, किसके लिए, सिर्फ वैक्सीन के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं। बट अभी ये पूरा डिस्कशन नहीं है हुआ है, जब पूरा डिस्कशन आ जाएगा रिगार्डिंग द एसेंशियल मेडिसिन से आप वेवर हटा दो तो उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ से एडिटोरियल में मेंशन था अबाउट द ट्रिप्स एग्रीमेंट, यूपीएससी जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में पूछे जाएंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव बीन पुशिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPR। वही है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो तो यही कहते हैं कि IPR को पुश करो, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसा क्यों कहती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। बट वहीं डेवलपिंग देश क्या कहेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ को कि आप क्या करो वैक्सीन के लिए, जो यार मैंडेटरी है, नहीं तो लोग मर जाएंगे, उनको पास दवाई नहीं होगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव बीन पुशिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPR इन डेवलपिंग कंट्रीज़ थ्रू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द फैक्ट दैट डेवलप्ड कंट्रीज नेशन प्रमोट्स IPR इन ट्रेड एग्रीमेंट सजेस्टेड ट्रेड शुड इंक्रीज विद फॉरेन पेटेंट प्रोटेक्शन। ये मैं ऑलरेडी जो हिंदी में बताया ना, डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि उन्होंने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों रुपया खर्च किया है तो वो तो अपना पेटेंट प्रोटेक्शन करेंगी ही करेंगी। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट वही है, द एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर नेशन ऑफ द WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर होंगे सभी के बीच में जो लीगल एग्रीमेंट होता है वो होता है ट्रिप्स का। इट्स सेट्स डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द रेगुलेशन बाई नेशनल गवर्नमेंट ऑफ मैनी फॉर्म्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज अप्लाइड टू नेशनल ऑफ अदर WTO मेंबर नेशन। ट्रिप्स वॉज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ उर्गवे राउंड। ये सब डायरेक्टली पूछा जाता है, ट्रिप्स कब नेगोशिएट किया गया था, यह है उर्गवे राउंड के दौरान एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाई WTO। द ट्रिप्स एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन टू द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रिप्स का मतलब वही है यार, मैं एक देश हूँ या मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक दवा बनाई, रिसर्च डेवलपमेंट में मैंने अपने 20 साल खर्च किए, तो मैं उस दवा की प्राइस 1 करोड़ भी बोल सकता हूँ, ये पेटेंट है। मतलब उतना तो नहीं होगा, मैं लाखों में रख दूंगा, तो यही होता है मेरा पेटेंट। In 2001, developing countries concerned that developed countries were insisting on overly narrow trading of trips. Initiated a round of talks that resulted in Doha Declaration. ठीक है, तो 2001 से ही डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या बोलने लगी कि डेवलप्ड नेशन से कि थोड़ा सा इसमें कंसेशन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट नोट्स आपको हाईलाइटेड वर्जन में ही मिलेंगे, क्योंकि वो नोट्स के फॉर्म में ही हाईलाइट किया, अबाउट द NLMC और हाइपरसोनिक वेपन्स। ये हिंदू टुडे नोट्स के एक्सप्लेनर पॉइंट्स हैं। एक्सप्लेनर जो पॉइंट हैं वो हिंदू बाद में देने लगा फॉर UPSC स्टूडेंट, तो इस पेज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में सेकेंड एडिटोरियल से एक नोट्स आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर PPK रामचरोलियो, ये अभी सेक्रेटरी जनरल की तरह अपॉइंट किए गए अपने राज्यसभा में भाई M वेंकैया नायडू, और September 1, 2021 में वॉज न्यूज़ दैट ड्रू मच अटेंशन। साथ ही साथ एक सेक्रेटरी की बारे में बात करता हूँ, एक सेक्रेटरी होता क्या है। Article 98 UPSC prelims में ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा। Article 98 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द स्कोप ऑफ सेपरेट सेक्रेटरीट्स फॉर द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमारे संविधान में Article 98 में ये बोला गया है कि सेपरेट सेक्रेटरीट होंगे फॉर द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। द प्रिंसिपल हैंस लेड इन द आर्टिकल इज दैट सेक्रेटरीट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मतलब जो काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके इंडिपेंडेंट होना चाहिए सेक्रेटरीट।
और इसको चलते हुए और अच्छा यहाँ पर मेंशन किया है, व्हेन द स्पीकर सेक्रेटरेट वांटेड पेंसिल फॉर द मेंबर द एग्जीक्यूटिव रिफ्यूज टू गिव देम। मतलब जो इस सेक्रेटरेट होता है, तो ये सिंपल भाषा में ये समझाया गया है, जैसा मेटाफर नहीं होता कि मैं तेरे को मार दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि एग्रेशन है। तो सिमिलर चीज़ है कि जो सेक्रेटरेट है वो अपना काम अच्छे से कर पाए, इसलिए उसको एग्जीक्यूटिव के इंडिपेंडेंट रखा गया है। बट अभी मेजर ये चीज़ आती है कि सेक्रेटरेट जो होते हैं उनकी जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा डिले कर दी जाती है, कि मतलब हर समय फिल नहीं होती है। ए सेपरेट सेक्रेटरेट मार्क्स ए फीचर ऑफ फंक्शनिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सेक्रेटरेट का फ़ायदा यही होता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से फंक्शन किया जाए। कुछ रिगार्डिंग फैक्ट इन द लोकसभा, अनलाइक द राज्यसभा, द लोकसभा हैड 9 ऑफ इट्स स्टाफ इंक्लूडिंग द लेटरल एंट्री ऑफिसर रेज टू बिकम सेक्रेटरी जनरल टू डेट। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का कौन है? एमन कॉल, या डायरेक्टली पूछा जाएगा। सेक्रेटरी जो और सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरेट बात करें तो आर्टिकल 98 में मेंशन है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ये वॉज सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरेट एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट 1950-52। तो इन सब के लिए ये सेक्रेटरी जनरल की तरह रहा, एज ए सेक्रेटरेट भी रहे। इन अ पार्लियामेंट्री पॉलिटी वन ऑफ द रोल्स ऑफ पार्लियामेंट इज टू वॉच ओवर द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। पार्लियामेंट मस्ट हैव द टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पिटेंसी दैट इज ऑन ए पार विद एग्जीक्यूटिव टू बी एफेक्टिव बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल स्क्रूटनिटी एंड मेक द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। सेक्रेटरेट का यही एक मेजर रोल होता है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव का मतलब पीएम मोदी, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, जो भी पॉलिसी वो फ्रेम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो अकाउंटेबल रहे। इसलिए संविधान ने आर्टिकल 98 को मेंशन किया और ये बोला कि एग्जीक्यूटिव भी एग्जीक्यूटिव के इंडिपेंडेंट रहते हैं सेक्रेटरेट, ठीक है। ओपेट पेज के आर्टिकल कोई काम के नहीं है आज, जो आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। आज काम के हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी, ये क्या है, ये प्रोग्राम है क्या, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। इसके चलते हुए भारत सरकार पैसे इकट्ठा करेगी। पैसे कैसे इकट्ठा करेगी? देखो, बहुत सारी ज़मीनें होती हैं भारत सरकार की, अभी रेलवे के पास, डिफेंस, कभी कभी आप किसी जगह पर जाते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि ये ज़मीन किसकी है, सरकार की है या किसकी है। देखिए, इस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लेटेस्ट सर्वे, ठीक है, भारत सरकार मोनेटाइज कैसे करेगी अपने एसेट को। देखो, एज पर द लेटेस्ट सर्वे हमारे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे MTNL, BSNL, BPCL, इन सब की ज़मीनें हैं। जैसे रेलवे एंड डिफेंस मिनिस्ट्री मीनवाइल हैव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड इन द कंट्री। सरकारी ज़मीनों में सबसे ज़्यादा ज़मीन है रेलवे की और डिफेंस मिनिस्ट्री की। रेलवे का माना जाता है कि रेलवे के पास 11 लाख एकड़ की ज़मीन है, उसमें से 1.25 लाख जो लाख एकड़ ज़मीन है वो वैकेंट है, अभी खाली है। सिमिलरली आउट ऑफ दिस अराउंड 1.6 लाख एकड़ फॉल इनसाइड द 62 मिलिट्री कैंटोनमेंट, वाइल ओवर 16 लाख एकड़ आर आउटसाइड द कैंटोनमेंट बाउंड्रीज, ठीक है। अब ये देखो, ये ज़मीनें हैं, तो इस ज़मीन को क्या करेंगे, तीन तरीके से भारत सरकार दे सकती है। देखो, पहला है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, कि रियल इस्टेट वहाँ पर सेटअप किया जा सकता है। ए कंपनी दैट ओन्स एंड ऑपरेट लैंड एसेट एंड समटाइम्स उस चीज़ में कुछ भी बना सकती है और भारत सरकार को वो पैसा देते रहेगी। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कहूँगा सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री के पास जाऊँगा कि अपनी ये ज़मीन दे दो यार, मैं 5 साल में ये कर रहा हूँ, कुछ शेयर देते रहूँगा। सेकेंड हो सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सरकार क्या करती है उस ज़मीन को, तो इसमें क्या होगा, वही ज़मीन का टुकड़ा एक प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि 15 साल लीज में आप ऑपरेट करो, इसमें कुछ बनाओ, और उसके बाद 15 साल तक आप ऑपरेट करो, जितना भी रेवेन्यू होता है आप लो, उसके बाद 15 साल के बाद हमें हैंडओवर कर दो सरकार को, फिर वही ऑपरेशनल चीज़ें सरकार करेगी। तो ये तीन चीज़ें हैं, तो इससे क्या होगा, सरकार को एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। पीएम मोदी की जो अचीवमेंट्स हैं, जो टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो पूरी हो जाएगी। और मोनेटाइजेशन इज ऑल्सो डन टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ अनयूज्ड और अंडरयूज्ड एसेट बाय इन्वॉल्विंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। थर्डली इट इज ऑल्सो डन टू जनरेट रिसोर्सेज और कैपिटल फॉर फ्यूचर एसेट क्रिएशन, राइट, आगे के भी एसेट इससे बन सकते हैं, कि एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो भारत सरकार को फायदे इससे होंगे। तो यही पूरा जो प्रोग्राम है वही नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन है। नाउ
अब ये एनएलएमसी करेगा कौन, फंक्शन कैसे करेगी, समझ में आ गया ये क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब फंक्शन कैसे करेगी, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो सरकार ओन करती है, मोनेटाइजेशन करेगी सरकार के लिए, वही पब्लिक सेक्टर का जो एसेट है जो सरप्लस में एक्स्ट्रा है उसको यूज़ करेगी, अनयूज लैंड को यूज़ करेगी, और ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, और इनिशियल ऑथराइज शेयर कैपिटल 5,000 करोड़ है और पेड अप कैपिटल 150 करोड़ है। पेड अप कैपिटल मतलब इनिशियल में जो लगाते हैं पैसा वो होता है। दूसरा, कॉरपोरेशन विल ऑल्सो फैसिलेट द मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट बिलोंगिंग टू पी एस यू दैट हैव सीज्ड ऑपरेशन और इन लाइंस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। द सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग एसेट ऑफ सच इंटरप्राइजेज आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर्ड टू एनएलएमसी विच विल देन होल्ड मैनेज एंड मोनेटाइज देम, जो उनको वो करेंगे और मोनेटाइज करेंगे। बिसाइड मैनेजिंग एंड मोनेटाइजिंग द एनएलएमसी विल एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी की तरह भी काम करेगी। अब यहाँ पर ठीक है, फंक्शन कैसे करेगी वो देख लिया, किस मॉडल पर काम करेगी वो देख लिया, कैसे करेगी वो देख लिया, ठीक है। अब फंक्शन के लिए वो है मेरिट बेस्ड अप्रोच। अब यहाँ पर ये कंपनी कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करेगी, जैसे अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मेरिट बेस्ड अप्रोच में मेरे से पूछा जाएगा कि क्या क्या आप कर सकते हो, तो अब मैं क्या करूँगा, सरकार को सजेशन दूंगा कि ऐसी ऐसी ज़मीन में ऐसा ऐसा हो सकता है। बट मेजर क्वेश्चन ये आता है कि चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस यही रहता है कि बजट 2021-2022 में गवर्नमेंट ने इनिशियली जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था वो 1.75 लाख करोड़ रखा था, लेटर ब्रॉड डाउन टू 78,000। सिमिलरली पैंडेमिक की वजह से जो LIC का शेयर है वो भी घट गया। तो ये सब है पूरा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। ये अपने आप में ही UPSC का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तभी इसको एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा समय लगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट द हाइपरसोनिक वेपन्स। एक हाइपरसोनिक वेपन है क्या, क्या भारत के पास एक हाइपरसोनिक वेपन है, डज इंडिया हैव ए हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम, आंसर क्या होगा, आंसर हाँ या ना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर हाइपरसोनिक वेपन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स क्या हैं। दे आर मैन्यूरेबल वेपन दैट कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ एटलीस्ट Mach 5। मैन्यूरेबल का मतलब होता है कि जैसे एक होता ना गोताखोरी, जैसे पानी में गोताखोरी करते हैं वैसे ही हवा में पैंतरेबाजी करते हैं, मतलब एक पोजीशन में होगी अचानक से पलक झपकोगे तो दूसरी जगह, जैसे इंडिपेंडेंस डे के दौरान जो ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं इधर उधर हिलते रहते हैं, तो हाइपरसोनिक वेपन्स वही हैं। एटलीस्ट मैन्यूरेबल वेपन्स होते हैं जिनकी स्पीड होती है Mach 5, Mach है यूनिट किसकी, स्पीड की, 5 times द स्पीड ऑफ साउंड। Mach का मतलब क्या होता है, ये एक यूनिट है, अगर कोई विमान उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, अगर उसको ड्राइव करना है कि कितनी स्पीड से उड़ रहा है तो उसे Mach से ड्राइव करते हैं या Mach यूनिट से ड्राइव करते हैं। और Mach क्या होता है, वही साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड जिसकी होगी वो Mach होगा। नाउ हाइपरसोनिक वेपन्स ट्रेवल विद इन द एटमोस्फियर एंड कैन मैन्यूवर मिड वे विच कॉम्बाइंड विद देयर हाई स्पीड मेक देयर डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। दिस मीन्स दैट रडार, अब इतने ज़्यादा ये एक्सट्रीम होते हैं, इतनी तेज़ी से ये घूमते हैं कि इवन जो रडार है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाता है। दे आर वेरी क्लोज एंड हैव ओनली लिटिल टाइम टू रिएक्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर ए न्यू क्लास ऑफ थ्रेट बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ बोथ मैन्यूवरिंग, मतलब ऐसे अचानक से अपनी पोजिशन शिफ्ट कर सकते हैं और इतनी तेज़ी से मूव करते हैं, पर आवर 5,000 किलोमीटर वो ट्रैवल कर सकते हैं। सोचो इतना ज़्यादा स्पीड से एक घंटे में 5,000 किलोमीटर, ठीक है, आधे से ज़्यादा इंडिया कवर हो जाए सोचो, और साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा। अब ये मेजर चीज़ यही रहती है कि ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन इसलिए, अभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था ना हाइपरसोनिक मिसाइल से, अब ये क्या होता है, इतना तेज़ होते हैं कि इसको डिटेक्ट कर पाना भी मुश्किल होता है। एंड दे आर वेरी क्लोज एंड हैव ओनली लिटिल टाइम टू रिएक्ट, बहुत कम समय मिल पाता है जिस विक्टिम देश को जिस पर यह अटैक हो रहा है कि उसके रडार भी उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इट इनेबल द सच मिसाइल टू पेनिट्रेट मोस्ट मिसाइल डिफेंस एंड फर्दर कंप्रेस द टाइमलाइन फॉर रिस्पॉन्स बाय ए नेशन अंडर अटैक। वही चीज़ है, तभी चाइना ने टेस्ट किया न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल अगस्त में दैट सर्कल द ग्लोब बिफोर स्पीडिंग टुवार्ड्स इट्स टारगेट, राइट। सेकेंड मैं बात करूँ, इन एडिशन टू चाइनीज टेस्ट अक्टूबर में रशिया ने भी अनाउंस किया कि हमने भी सक्सेसफुली टेस्ट किया, तभी तो यहाँ पर अभी यूज़ भी कर रहे हैं।
यूएस ने भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर ये किया, ठीक है। द फर्स्ट व्हीकल टू एक्सीड मैक 5 वॉज टू स्टेज रॉकेट लॉन्च इन 1949 विच रीच्ड ए स्पीड ऑफ मैक 6.7। ये अंडर प्रोजेक्ट बम्पर था। ये चीज़ याद रखना, जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं ना, जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं इसके अंदर पूछे जाएंगे। प्रोजेक्ट बम्पर क्या होता है? यूएस ने टेस्ट किया एक हाइपरसोनिक वेपन जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होगी फॉर डिकेड्स। पहला व्हीकल वो था जिसकी स्पीड 6.7 मैक तक पहुंची। इट इज़ अंडर द प्रोजेक्ट बम्पर और ये 1949 में किया गया। सोचो ये छोटे छोटे फैक्ट, क्योंकि अब हाइपरसोनिक चीज़ें चल रही हैं, हाइपरसोनिक वेपन आ रहे हैं, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब मैं ये बात करूँगा कि दूसरी कंट्री का स्टेटस क्या है। यूएस, रशिया, चाइना, इनके पास तो एडवांस्ड हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, पर जो दूसरी कंट्री हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान आता है, आर ऑल्सो डेवलपिंग हाइपरसोनिक वेपन्स टेक्नोलॉजी, ये भी डेवलप कर रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग एन इंडिजीनियस ड्यूल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एज पार्ट्स ऑफ इट्स हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम एंड सक्सेसफुली टेस्टेड ए मैक 6 स्क्रैमजेट इन June 2019 एंड September 2020। अभी इंडिया ने भी टेस्ट किया, बट पजेस तो तीन ही राज्य करते हैं, US, रशिया एंड चाइना, ठीक है। चलिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया BS6 व्हीकल रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे परमिटेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ BS6 लाइट एंड हैवी डीजल व्हीकल यूज टू पब्लिक यूटिलिटी एंड एसेंशियल सर्विसेज। वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट रजिस्ट्रेशन कैन बी परमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ BS6 लाइट एंड हैवी डीजल व्हीकल यूज फॉर पब्लिक यूटिलिटी एंड एसेंशियल सर्विसेज। तो हम BS6 के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ से आज के हमारे ये नोट्स भी कंप्लीट हो गए। अब हम भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, इससे पहले मैं UPSC का एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, 23 मार्च 2022 का UPSC मेन्स क्वेश्चन। एज द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन हैज टर्न्ड इनटू ग्लोबल चैलेंज, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स बाय ऑल स्टेकहोल्डर आर रिक्वायर्ड टू डील विद दिस प्रेसिंग इशू, कमेंट। वायु प्रदूषण समस्या एक वैश्विक चुनौती बन गई है, इसलिए इसे गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए सभी हितधारकों को सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है। वर्ड लिमिट 150 शब्दों आज का हिंदू न्यूज़पेपर में है। सभी जो बच्चे हैं, जो भी UPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। तो आज बात करते हैं भारत स्टेज 6 की, BS6। BS6 आर एमिशन स्टैंडर्ड। आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, पीछे से धुआं निकलता है, धुआं निकलेगा तो उसी एमिशन स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, वो धुआं कैसा निकलना चाहिए, उसी को कहते हैं भारत स्टेज। कितना सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भारत स्टेज वो है आर एमिशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स से जितना भी धुआं निकल रहा है, वो धुआं का स्टैंडर्ड ही क्या होना चाहिए, उसे भारत स्टेज एमिशन कहते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द फ्यूल स्टैंडर्ड इन द कंट्री। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंप्लीमेंट दीज स्टैंडर्ड। CPCB ही ये इंप्लीमेंट करता है इस स्टैंडर्ड को। द BS रेगुलेशन आर बेस्ड ऑन यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड। कंपनीज कैन कम अप विथ न्यू व्हीकल विथ BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड इवन बिफोर द अप्रैल 2020 डेडलाइन, बट आफ्टर द डेडलाइन व्हीकल्स दैट डू नॉट कम्प्लाई विथ BS6 स्टैंडर्ड विल नॉट गेट रजिस्टर्ड। इवन आप कुछ भी अब गाड़ी खरीदोगे तो वो BS6 स्टैंडर्ड की ही होगी। एडवांटेजेस, फ़ायदा क्या है? सिंपल सी बात है यार, जो पॉल्यूशन BS4 कर रहा है, पर्टिकुलर मेटल एट 2.5 रेंजेस फ्रॉम 20-40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वेयर एज इसमें इट इज़ अप टू 120 माइक्रोग्राम, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। जो वॉल्यूम होता है PM2.5 का, वो यहाँ 20-40 होगा, बाकी BS4 में वो 120 होगा। सोचो कितना कम पॉल्यूशन इससे होगा, सल्फर कम हो जाएगा। BS4 में 50 PPM होगा पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ 10 PPM ही होगा। BS6 फ्यूल एवरी 1 किलोमीटर ए कार विल एमिट 80% लेस पर्टिकुलर मैटर, यहाँ पर 70% लेस नाइट्रोजन ऑक्साइड कम एमिट करेगी। तो ये तो फ़ायदे होंगे, बाकी शिफ्ट करने से इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत सिंपल है यार, जल्दी से जल्दी जो इंजीनियर है उनको इंजन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक मैंडेटरी फॉर ऑल ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, फॉल्ट कोड्स, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अब इसको चेंज करने के लिए देखो, बहुत इसमें वो भी है कि यार अभी तक इंजन कार्बोरेटर से चलते थे,
अब उसमें दूसरे इंजन डालने पड़ेंगे जिसके लिए जो मैन पावर होगी, जो भी काम कर रहे हैं लोग उनके पास स्किल होनी चाहिए, वो नहीं है। तो ये चैलेंजेस में आप लिखोगे। फायदे तो आप सबको पता चल गया ना, टॉक्सिक सब्सटेंस को कम होना, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम होगा, प्राइमरी कॉज जो हेल्थ इश्यूज़ है वो कम होंगे, सल्फर कंटेंट कम होगा। तो मैंने ये जो भी मैं नोट्स पढ़ाता हूँ वो पॉइंट वाइज ही होते हैं जो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। और एट द एंड द चेंज इन डेंसिटी विल हेल्प इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑयल एज वेल एज हेल्प रिड्यूस ईयर द ऑटो फ्यूल विजन 2025 इन जून 2014 हैड रिकमेंडेड 75 पैसे सेस टू रिकूप एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टेड प्रोड्यूसिंग क्लीनर फ्यूल। सेस का मतलब होता है जो टैक्स देता है उसको, टैक्स ऑन टैक्स को सेस कहते हैं। मतलब जो टैक्स आप दे रहे हो उस पर छोटा सा टैक्स लगा दिया जाए बहुत एक शानदार पर्पज के लिए, शिक्षा के लिए, उसे सेस कहते हैं, राइट। और आज के यूपीएससी मेंस क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ पेज नंबर 13 में है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बात करते हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनेट अप्रैल 3 से 5 विजिट करने वाले हैं इंडिया में। बायलैटरल डिस्कशन बढ़ाएंगे रिगार्डिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और द एफटीए विथ इसराइल इज एम्ड एट ब्रॉडनिंग द बास्केट ऑफ इंडिया इसराइल ट्रेड विच इज करंटली डोमिनेटेड बाई डिफेंस हाईटेक एंड एग्रीकल्चर कोलाब्रेशन। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यही होता है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और इसराइल देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन यही है, वट आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ग्लोबल ग्रुपिंग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट में पूछा जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में होता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट कर रही है तो जो दूसरी कंट्री में टैक्स लगाएगी उस एक्सपोर्ट में या इम्पोर्ट में, वो ये कंट्रीज नहीं लगाएंगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से होता क्या है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाता है। वाई आर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? वही जो मैंने पूरा ये है, प्रेफरेंस देना। फॉर एग्जांपल कंसीडर टू कंट्रीज ए एंड बी हैविंग द एफटीए। कंट्री ए हैज़ हाई टैरिफ एंड लार्ज डोमेस्टिक मार्केट। द फॉर्म बेस्ड कंट्री सी में डिसाइड टू इन्वेस्ट इन कंट्री ए टू कैटर एज डोमेस्टिक मार्केट। हावेयर वंस ए एंड बी साइन एफ टी एंड बी ऑफर्स बेटर बिजनेस इन्वायरमेंट, सी में डिसाइड टू लोकेट इट्स प्लांट इन बी टू सप्लाई इट्स प्रोडक्ट टू ए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सिंपल है। सी को इन्वेस्ट करना है तो वो क्या करेगा, देखो बहुत सिंपल है, ए और बी कंट्री है, दोनों के बीच में एफ टी ए साइन है, एफ टी ए से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सी को इन्वेस्ट करना है तो वो डायरेक्ट ए कंट्री में बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है तो वो डायरेक्ट यहाँ नहीं कर पा रहा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा करके वो बी में इन्वेस्ट करेगा और इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। वही ये काम जो भी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाएगी इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है, जैसे बैंकॉक एग्रीमेंट 1975 में, श्रीलंका के साथ, एशियन कंट्रीज़ के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, रिपोर्ट लेज स्ट्रेस ऑन डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग। COVID-19 पैंडेमिक की वजह से अबाउट 3 मिलियन वर्कर रिप्रेजेंटिंग 7% ऑफ कंट्री वर्क फोर्स विल रिक्वायर डिजिटल स्किल्स, और डिजिटल स्किल अभी नहीं है COVID-19 पैंडेमिक में, ऐसा हमने देखने को भी मिला। साथ ही साथ हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल की, यूक्रेन ये चाहता है कि व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्टली टॉक हो रिगार्डिंग द यूक्रेन रशिया क्राइसिस। जो बाइडन US ट्राई ये कर रहा है कि चाइना पर सेंक्शन लगाया जाए, क्योंकि रशिया को अभी सपोर्ट कर रहा है या क्लोज टाई कर रहा है चाइना, उन्होंने न्यूट्रल बिहेवियर रखा, इवन रशिया को वेपन भी सप्लाई कर रहा है चाइना, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस न्यूज पे, फिच जैसे मोडीज होती है ना, रेटिंग एजेंसीज होती हैं, तो अभी इंडिया की ग्रोथ रेट उन्होंने फॉरकास्ट की 8.5%, 10 थी पहले, अब 8.5। बहुत सारे दूसरे रीजन भी हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर, बहुत सारे दूसरे रीजन से। अब ये ऐसा है कि आपको याद नहीं रखना, आपको ये फिच रेटिंग याद रखो बस, मोडीज और फिच होती है ना इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, अगर किसी की ग्रोथ रेट कम कर दें तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टर में कि इन्वेस्टर ये कम आते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, गवर्नमेंट ने, लास्ट न्यूज़ है आज की, गवर्नमेंट ने रेस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर जूट, नई MSP डिसाइड कर ली 250 की। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ऑन ट्यूजडे अप्रूव्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट फॉर द 2022-2023। तो देखो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ही अप्रूव करती है MSP को, बाकी रिकमेंडेशन कौन देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। नाउ CACP होता क्या है, UPSC जनरल स्टडीज पेपर 3 में। CACP इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। CACP सिंस 1985 अर्लियर नेम्ड एज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, और ये MSP रिकमेंड करता है। MSP
हर साल रिकमेंड की जाती है, उसको कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करती है, अप्रूव करती है। अभी CACP ने रिकमेंडेशन दी है 23 कॉमोडिटीज़ में, जिसमें 7 पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल, ये है, 5 पल्सेज में, 4 कमर्शियल क्रॉप्स में, ठीक है। तो CACP रिकमेंड करती है, सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी, और सरकार में भी कौन, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंप्लीट नोट्स के लिए, फोन गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं 750-513-4891 में। इस नंबर के बेसिस पे आप डायरेक्टली फ़ोन गाइडेंस ले सकते हो, पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो, पर्सनल मेंटोरशिप का भी प्रोग्राम हमने चलाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।